वाईफाई की रेंज को विदाउट वायर कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आपके पास कोई मॉडम लगा है, आपने उसके वाईफाई की रेंज कहीं पर कम आ रही है, उसको बढ़ाना है विदाउट किसी वायर का यूज किए, तो आज इस वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है टेंडा कंपनी का एक राउटर लिया है, इसको हम रिपीटर बनाएंगे। लैन केबल की या किसी भी केबल की जरूरत नहीं है, बिना केबल के हम आपको दिखाएंगे कि आपकी वाईफाई की रेंज इसके जरिए कैसे बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इसमें हमें मिल जाता है टेंडा कंपनी का राउटर, साथ में लैन केबल और राउटर का अडाप्टर मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का वीडियो, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे राउटर को रिपीटर बनाना है, कैसे वाईफाई की रेंज को बनाना है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगा दिया है टेंडा का राउटर, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो। तो सबसे पहले आपने मोबाइल में वाईफाई को ऑन करना है। जैसे ही आप वाईफाई ऑन करोगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसने टेंडा की आईडी उठा ली है, राउटर यहाँ पर हमारा डिटेक्ट हो गया है। इस पर आपने क्लिक करना है और टेंडा को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा टेंडा राउटर जो है वो वाईफाई के साथ एक बार कनेक्ट हो गया मोबाइल के। इसके बाद आपने आईपी इसका ओपन करना है। टेंडा के राउटर के बिल्कुल बैक साइड पे आईपी एड्रेस लिखा होता है, वही आईपी एड्रेस आपने ओपन करना है अपने किसी भी ब्राउज़र में। तो इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। तो ये आईपी एड्रेस जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक टेंडा का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपने बिल्कुल सेंटर में क्लिक करना है डायनामिक आईपी पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखिए राउटर का नाम और पासवर्ड शो कर रहा है। नाम आप भी चेंज कर सकते हो और पासवर्ड भी कोई भी डाल सकते हो। नाम हमने वही रहने दिया और पासवर्ड यहाँ पर हमने अपना लगा दिया। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पासवर्ड है इसका सेव हो चुका है। तो दोबारा से आपने वाईफाई पे जाना है, क्योंकि पहले जो हमने टेंडा का राउटर कनेक्ट किया था उस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। अभी दोबारा से आपने टेंडा पे क्लिक करना है और जो पासवर्ड हमने अभी टेंडा के पेज पर लगाया है वही पासवर्ड हमने इसमें डालना है। तो देखिए ध्यान से, वही पासवर्ड जो हमने पहले डाला था वो हम इस पर डाल रहे हैं और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी टेंडा का राउटर कनेक्ट हो रहा है हमारे पासवर्ड के साथ, जो भी अब हमने नया पासवर्ड लगाया है। इसके बाद आपको दोबारा से वही सेम पेज ओपन करना है। तो देखिए दोस्तों, दोबारा से यहाँ पर आईपी एड्रेस डालेंगे आपने वही पहले वाला 192.168.0.1। तो देखिए यहाँ पर टेंडा का पेज ओपन हो चुका है। अभी जो राइट हैंड साइड बिल्कुल ऊपर ऑप्शन आ रही है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही है वायरलेस रिपीटिंग की, तो वायरलेस रिपीटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वायरलेस रिपीटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पे आपने WISP पे क्लिक करना है। WISP पे क्लिक करने के बाद जो भी नेटवर्क हैं, जो भी मॉडम या वाईफाई लगे हुए हैं आसपास, वो सभी ये देखिए नीचे उठा लेगा। तो यहाँ पर शो हो रहे हैं सभी वाईफाई, जो भी आपका मॉडम लगा हुआ है उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे हमारा यहाँ पर रॉकेट के नाम से लगा है तो हम रॉकेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ऊपर इसका पासवर्ड भी मांगेगा। देखिए हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपने जो आपका मॉडम लगा हुआ है पहले से उसका पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो हमने अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आप ओके करेंगे और ये रीबूट होगा और इसकी सेटिंग्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए रीबूट होना स्टार्ट हो गया है। अभी रीबूट होने के बाद आपका जो राउटर है वो रिपीटर बन चुका है, रेंज आपकी बढ़ चुकी होगी। तो आइए अब एक बार आपको इंटरनेट चला करके दिखा देते हैं। यूट्यूब पर हम अपने ही चैनल की कोई ना कोई वीडियो आपको चला करके दिखा देते हैं। अभी हमने टेंडा के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो देखिए यूट्यूब बड़ी अच्छी से इंटरनेट चल रहा है। आप ऐसे ही अपने मॉडम की रेंज को बढ़ा सकते हो इसी टेंडा के राउटर का यूज़ करके। कोई भी वायर वगैरह आपको नहीं डालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा वायर यूज़ नहीं की है, सिर्फ अपना राउटर लगाया है और हमारा राउटर हमारे मॉडम के साथ अच्छे से कनेक्ट हो गया और इंटरनेट भी चल रहा है। तो ऐसे आप अपने वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हो। हमारा मॉडम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है और हमारा राउटर यहाँ पर लगा है बिना किसी तार के। इस तरह आप अपने वाईफाई की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।